नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर पूरे देश भर में टूटा है और लोग हलकान हैं। रोजी रोटी जा रही है, लोग मर रहे हैं, सड़कों पे अंतिम संस्कार हो रहा है, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। और उधर जिन हाथों में ताकत है उन्हें मानो उस ताकत का इस्तेमाल करने का मौका मिल गया है। ऐसा ही एक नज़ारा कोयम्बटूर के गांधीपुरम से आ रहा है और घटना है कल की, जहां पे एक दारोगा जी 10 बजे के बाद यानी 10 बजे रात के बाद एक होटल के खुले होने पे वहां पे डंडा बरसाने लगते हैं। होटल कर्मियों को भी बुरी तरह से पीटा और जो वहां पे खाना खा रहे थे ग्राहक उनको भी। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, दारोगा जी का गुस्सा सातवें आसमान पे क्यों पहुंचा? क्या सिर्फ 10 बजे रात्रि के टाइमलाइन डेडलाइन जो है उसका उल्लंघन करके चल रहा था होटल इस वजह से? नहीं, दारोगा जी को कहा जा रहा है कि रंगदारी चाहिए, चौथ चाहिए, आप 10 बजे के बाद खोलते हैं तो, और फ्री में खाना चाहिए। होटल मालिक ने इसको लेकर के एक कंप्लेंट दी है और कहा है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये फ्री में खाना मांगते हैं और पैसा भी मांगते हैं। कहा यह जा रहा है कि 10 बजे के बाद एहतियातन होटल बंद करने को कहा गया है। टाइमिंग को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, 10 बजे नहीं बल्कि 11 बजे है, लेकिन 10 बजे के बाद उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी। जब ये होटल में घुसे तो वहाँ पर महिलाएँ भी आप देखेंगे वीडियो में, जैसा कि आपने देखा ही है, तो इन्होंने महिलाओं को तो छोड़ दिया लेकिन जो भी पुरुष मिला, चाहे होटल कर्मी हो या ग्राहक, उनको जम करके पीटा। और जब वीडियो वायरल हुआ, होटल मालिक ने इसकी शिकायत की, तब अब उनके खिलाफ़ कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सिस्टम, जिसके पास ताकत है, कानून की सत्ता है, वो ऐसे ही निरीह बेचारे लोगों पर उसको आजमाएंगे? हमारा सिस्टम कब सुधरेगा? इस कोरोना के कहर में लोगों की नौकरियां जा रही है, खाने को नहीं है, और ऊपर से इस तरीके से बेरहमी से पिटाई। कौन सा फ्रस्ट्रेशन दारोगा जी निकालना चाहते हैं? पूरे मामले पर हमारी नज़र है, जैसे ही अपडेट मिलेगा कि दारोगा जी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। कहा जा रहा है कि उनको कंट्रोल रूम से अटैच कर दिया गया है, ये कोई सज़ा नहीं है, उनके खिलाफ सख्त एहसान होना चाहिए। वैसे ही हम आपको अपडेट कराएंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।